और उत्तराखंड के देहरादून में रेलवे स्टेशन पर कल रात जमकर के बवाल हुआ है। दूसरे समुदाय की युवती से मुलाकात करने पहुंचे युवक को लोगों ने पीट दिया और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच में पथराव हुआ है। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल यहां पर बना रहा। दो समुदायों के बीच पथराव हुआ है, काफी तनाव। दूसरे समुदाय की लड़की से मिलने के लिए स्टेशन पर पहुंचा था युवक और इसी को लेकर के ये पूरा हंगामा हुआ, बवाल हुआ है। गर्लफ्रेंड से मुलाकात को लेकर के भारी बवाल की ये तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं विजुअल्स में दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और उनको अलग करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में जो फोर्स है वो पहुंचती है हालात को काबू में करने के लिए। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, हालात तनावपूर्ण हुए और पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर बुलाना पड़ गया। और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से क्या क्या कहा गया है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर देने का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ दो चार गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। Z News.